मैं एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ये शॉकिंग न्यूज है रोहित। 2020 में अमेरिका के लोगों की औसत उम्र 1.5 साल कम हो गई है। नागरिकों की उम्र पर यूएस सीडीसी की रिपोर्ट से खुलासा, कोरोना की वजह से अमेरिकों की औसत उम्र 77.3 साल हो गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कोरोना की वजह से। एक और जानकारी आ रही है, प्ले करें और उसके बाद मैं चाहूंगा शिवेंद्र को लेकर आए यहां पर, प्ले करें इसको, बड़ी खबर है हमारे पास। ये जानकारी, कोरोना ने कम की अमेरिकी नागरिकों की उम्र, यूएस सीडीसी की रिपोर्ट से खुलासा, कोरोना की वजह से अमेरिकी नागरिकों की औसत उम्र 1.5 साल कम होकर 77.3 साल हो गई। क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? वी डोंट नो, हम थोड़ा लेट रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट चेंज करें, अमेरिका में औसत उम्र का यह आंकड़ा 2003 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है। नेक्स्ट चेंज करें, बड़ा तेजी से दूसरे विश्व युद्ध के बाद से एक साल के अंदर अमेरिका में यह सबसे बड़ी गिरावट है, यूएस सीडीसी ने यह कहा है। नेक्स्ट चेंज करें, 2019 से पहले कई दशकों से हर साल अमेरिकी नागरिकों की औसत उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन कोरोना ने कम कर दी है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, कोरोना की वजह से 2019 से 2020 के बीच औसत उम्र में गिरावट देखने को मिली, यह बड़ी खबर है। और इसमें कई सारे लोग हैं जिसमें एज गैप काफी दिखाई दे रहा है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ रोहित मौजूद है। रोहित, योर टेक, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है यूएस सीडीसी की। देखिए निशान, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट है ये हर साल अमेरिका में आती है, और क्योंकि 380,000 से ज्यादा लोग मरे थे 2020 में, तो उसका इंपैक्ट हमें इस रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ऑब्वियसली कम हुई, और 2021 में भी इसके कम होने की पूरी आशंका है। बट अगेन आई वुड से कि क्योंकि कोविड में इतनी ज्यादा डेथ्स हुई है, उसको लेके जो डेटा हमें जो देखने को मिल रहा है उस पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। लेकिन अगेन यू नो वी प्रॉब्ली गेट मोर डिटेल्स अराउंड इट, तो तब हमें समझना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल इंपैक्ट कब हुआ, और उसमें शायद कई साल लग जाए। आप जो बता रहे, थैंक यू सो मच मेरे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।